राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है और अब इसका कारवां बिहार भी पहुंचने वाला है। आज से बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करने वाले हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार के बांका से शुरू कर रहे हैं, जो यात्रा बिहार के कई जिलों से होते हुए बोधगया तक पहुंचेगी। कार्यक्रम के अंत में राहुल गांधी सहित कई कांग्रेस के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बिहार में अपनी यात्रा में जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से कयास कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, उनका मानना है कि आने वाले वक्त में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए राहुल या प्रियंका इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए, इस यात्रा को लेकर बीजेपी हर वक्त सवाल उठाती रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी तमाम बातों को इग्नोर करते हुए अपनी यात्रा में जुटे हुए हैं। पिछले कई महीनों से ये यात्रा चल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा बिहार के बांका से शुरू होगी। बांका के मंदार पर्वत से यह यात्रा शुरू होकर कई जिलों में ठहरते हुए ये गया पहुंचेगा। हालांकि इस यात्रा की शुरुआत को लेकर ही कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के नेता, वो काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं, वो बिहार में तमाम विपक्षी दलों से भी सहयोग की उम्मीद किए हुए हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जिस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उसके अंत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भले ही यात्रा में शामिल हो, लेकिन बिहार के जो दूसरे नेता हैं, वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बिहार में भले ही महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन महागठबंधन के नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से खुद को किनारे किए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तेजस्वी यादव ने भी इस यात्रा से खुद को दूर रखने का जो ऐलान है वो कर दिया है। आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का मानना है कि यह यात्रा कांग्रेस की निजी यात्रा है और इस यात्रा में राहुल गांधी खुद शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जो मिशन है वो सीधे तौर पर 2024 को लेकर है, तो दूसरी तरफ बिहार में तमाम विपक्षी एकजुटता की बात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहले से करते आ रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस से विपक्षी एकजुटता की उम्मीद नीतीश कुमार लगाए बैठे हैं, तो अब तक उनको सफलता नहीं मिली है। यही वजह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से नीतीश कुमार खुद को दूर रखे हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार से शुरू हो रही है। हालांकि तेजस्वी यादव पटना में होते हुए भी इस यात्रा में एक दिन भी शामिल फिलहाल नहीं होंगे। आगे की जो रणनीति है वो अब देखना होगा कि क्या जब राहुल गांधी बिहार आएंगे, उसमें नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की तरफ से कोई जाता है या नहीं। लेकिन अब तक जो संदेश है वो साफ है कि यह कांग्रेस की यात्रा है, इससे महागठबंधन के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि राहुल गांधी की इस यात्रा से बिहार में कांग्रेस पार्टी को काफी उम्मीद है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।